अभी हमारे पास में एक फोन है, ठीक है, Redmi का ये फोन है, डैड फोन है ये, ठीक है। सुबह से अब तक आपको क्वालकॉम का पूरा समझाया गया है, बूट सीक्वेंस वगैरह सिंगल पावर आईसी का कम्प्लीटली लिखाया गया है सारा, ठीक है। अब हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। हमारे पास में एक फोन है Redmi का और ये फोन है उरूज का। उरूज तुम्हारा फोन है ना, ये तुम्हारा फोन है, Redmi 7 है, डैड है, ठीक है। फाइंडिंग करेंगे इसमें, यानी हम ये देखेंगे कि आखिरकार इस फोन में क्या फॉल्ट है, कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ से इसमें समस्या आई है जिसकी वजह से ये डेड हो गया है, ठीक है। अब जो स्टेप हमें लिखाई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, बताई गई हैं, हम उन्हीं को एक एक करके फॉलो करेंगे। हमारा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और इस फोन में क्या फॉल्ट है ये भी सामने आ जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कूल टेस्टिंग से, किसे, और मल्टीमीटर को लगा देते हैं डायोड मोड पे। कहाँ पे? डायोड मोड पे हमने लगा दिया, दिख रहा है मल्टीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये बैटरी कनेक्टर है, ब्राइटनेस थोड़ी मैं कम करता हूँ, ये बैटरी कनेक्टर है हमारा। अब हम क्या करेंगे, पहले रिवर्स चेक करेंगे, क्या करेंगे, रिवर्स। और रिवर्स में आपको बताया रेड को ग्राउंड करना है, ब्लैक से चेक करना है, तो रेड को ग्राउंड कर देंगे, ब्लैक से चेक करेंगे हम। यहाँ पे GR कितना आ रहा है, 350 प्लस आना चाहिए, 350 प्लस है, यानी ओके है। अब हम फॉरवर्ड चेक करेंगे, यानी उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है, ब्लैक को ग्राउंड और रेड से चेक करेंगे। अब यहाँ देखो हम इसका उल्टा, और फॉरवर्ड में कितना आना चाहिए, 1000 से प्लस में या OL, तो 1000 से प्लस में है, ओके है ये भी। और अगर OL आता तो भी, क्यों, क्योंकि मल्टीमीटर के रेंज 1900 तक होती है इनकी ज़्यादातर की, और 1900 से ऊपर जब आता है तो OL दिखता है। OL का मतलब हो गया कि फिर 2000 पार जा रही है कहानी, जब भी सही है, बात समझ में आई। तो रिवर्स फॉरवर्ड हमारा GR सही है, सही है। यहाँ पे GR सही है। अब क्या करेंगे, VPS लाइन का GR, बोलो यार, VPS लाइन का GR चेक करेंगे, ठीक है। हाँ, ये पावर आईसी है हमारी, PM439 लगी है, ये थर्मल पैड है हीटिंग के लिए, 376/77, 350 प्लस होना चाहिए, VPH भी सही है हमारा, ठीक है। अब बताया गया है कि अगर VPH का GR भी सही है तो पावर के चारों साइड में एक बार शॉर्टिंग चेक कर लो, ठीक है। और शॉर्टिंग चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कहाँ लगाना पड़ेगा, बीप मोड पे। कितना मिल रहा है, कुछ याद आया, मैंने बढ़ाया ना, हाँ बिल्कुल सही। अगर बक लाइन का, ये बक लाइन के तो है, देखो झुंड में है ये सब, ये सब झुंड में पूरा यहाँ तक सब है, तो बक लाइन का है, दोनों साइड बीप कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक साइड पे बीप के साथ 400 GR आ रहा है, एक सही है, एकदम गुड है, समझ गए, नहीं 30+ होना चाहिए, 30+ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक साइड में GR बीप आ रहा है, दोनों साइड बीप नहीं बजना चाहिए, और अगर दोनों साइड बीप बचेगा तो देखेंगे कि GR VR कितना आ रहा है। इस तरह से दोनों साइड लगा लगा के प्रॉब को शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, बात आई समझ में। अगर दोनों साइड में बजर बजता है तो हम चेक करेंगे कि वो कौन सी लाइन का है और बजर के साथ में GR कितना आ रहा है, बात समझ में आई। ऐसे यहां पे देखो बजर बज रहा है, ये कैपेसिटर है बीप का साउंड, लेकिन बीप के साथ GR 400 से प्लस में, इसका मतलब ये लाइन शॉर्ट नहीं है, बल्कि एक बक लाइन है, और बक लाइन बीप करती है, कोई 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 दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो शॉर्टिंग नहीं है। अब जब शॉर्टिंग ना होगी तो हम क्या करेंगे, अब जब कूल टेस्टिंग से फॉल्ट नहीं मिलेगा तो हम हॉट टेस्टिंग करेंगे, सिंपल सी बात है। तो फोन में लगाएंगे बैटरी और चार्जर, और मीटर को लगाएंगे वोल्टेज पे, DC वोल्ट पे, ठीक है। और आपको बताया गया है कि भैया एक काम करो, पावर की का वोल्टेज चेक करो, किसका, देखो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है PWR, ये लिखा है, देखो PWR
यानी पावर 1.8 मिल रहा है और आपका क्वालकॉम में 1.8 ही मिलना चाहिए, मीडियाटेक में 3.7 से 4.2 के बीच में, तो यानी कि ये सही है। और आपको वहां बताया गया है अगर पावर की पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो पावर आईसी को रिवॉल्व करेंगे, लेकिन वोल्टेज मिल रहा है पावर की पे, तो रिवॉल्व करने की कोई जरूरत अभी तो नहीं है, आगे स्टेप फॉलो करेंगे। अगले स्टेप में बताया है कि भैया एस थ्री लाइन पर 1.3, एस फोर पर 2.0 और एक मॉडम की कॉइल छोड़ के बाकी सभी कॉइलों पर 0.6 से 1.2 के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे, सही है। अब स्मैटिक का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं होती है बक वोल्टेज चेक करते समय, अब तक हमने जो स्टेप फॉलो किए उनके लिए स्मैटिक कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हमने चेक कर लिया। बक के लिए भी जरूरत नहीं है, आपके मन में ख्याल आ सकता है कैसे जरूरत नहीं है, फिर हम कैसे पहचानेंगे एस थ्री कौन सी है एस फोर कौन सी है, हम पहचानेंगे वोल्टेज से, किससे, जो लाइन पे वोल्टेज मिलेगा उसी से हम पहचान लेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं, देखो 1.2 नहीं है 3 है, कितना है 1.3 मिल रहा है भाई, 10 पॉइंट कम है, 3 है समझ लो पूरा, तो 1.3 मिल रहा है, इसका मतलब ये कौन सी कॉइल होगी, लो एलडीओ वाली, इसका नाम क्या लाइन का, एस थ्री, क्या नाम है, एस थ्री कॉइल है, वोल्टेज से हमने पहचान लिया, कोई जरूरत है स्मैटिक की, कोई जरूरत नहीं है। आगे चलो, इसमें कितना मिल रहा है 0.7, कितना, और आपको बताया गया है 0.6 से 1.2 के बीच में मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। आगे चलो 0.7 इस पर ही मिल रहा है, ठीक है, इस पर चेक करो 0.7 इस पर ही मिल रहा है, अरे भाई साहब बड़ा नाजुक मामला है। यहाँ देखो 0.7 यहाँ भी है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये मॉडम है, तो जिसमें कुछ नहीं मिलेगा वही मॉडम है, बात खत्म, बात आई समझ में, तो कुछ नहीं मिल रहा है इसका मतलब यही मॉडम है। आगे चलो, ये एक और बची है, कितना मिल रहा है 2 वोल्ट, इसका मतलब ये क्या है, एस फोर। तो बगैर स्मैटिक डायग्राम के हमने सारे बक वोल्टेज चेक कर लिए कि नहीं, कर लिए ना, बस नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए, एक कॉइल पे कुछ नहीं मिलेगा, जिस पे नहीं मिला हमने समझ लिया यही मॉडम है, वाकई जिस पे 1.3 मिला हमने समझ लिया एस थ्री है, जिस पे 2 वोल्ट मिला हमने समझ लिया यही एस फोर है, लो एलडीओ हाई एलडीओ वाले इनपुट, बात समझ आ रही कि नहीं। और अगर बक नहीं मिलता तो हम क्या करते, पावर आईसी को रिवॉल्व या रिप्लेस करते। अच्छा, अब बक वोल्टेज तक तो आप चेक कर लोगे ऐसे ही बगैर किसी डायग्राम के, बगैर किसी के। लेकिन आगे की फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए देखो, बक वोल्टेज बन रहे हैं, स्टेबल है, इसका मतलब है कि आपकी पावर आईसी चार्जिंग आईसी दोनों सही है, पावर आईसी और चार्जिंग आईसी दोनों सही है 99%। 100% कंफर्म करने के लिए हमें पावर आईसी से निकलकर सीपीयू में जाने वाला पॉन रीसेट चेक करना पड़ेगा, 100% कंफर्म हो जाएगा, बात समझ में आ रही कि नहीं। और उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका, स्मैटिक का, ठीक है, ये पावर है हमारी, कोड कॉपी और इसको डायग्राम में लाके पेस्ट कर देंगे और फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करने के बाद ये हमारे सामने स्मैटिक आ गया, ए सेक्शन, और ए में है ग्राउंड, तो ग्राउंड का कोई काम नहीं, और यहाँ पे देखो बी, और बी में है सिग्नल, एक्सटर्नल लिखा है, एक्सटर्नल यानी क्रिस्टल की लाइनें, अब यहीं पे अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है पॉन रीसेट, क्या मिल रहा है, पॉन रीसेट, लाइन को डबल क्लिक करो और आगे फॉरवर्ड, और देखो कुछ लगा है कि नहीं लगा है, कोई टीपी पॉइंट है या नहीं, आगे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड करने के बाद ये लाइन सीधी सीपीयू में आ गई, कहाँ गई, और यहाँ पर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर दोनों चीजें हैं, रजिस्टर काम कर लेते हैं कोड कॉपी, 0 ओम का लगा है, टूट गया तो जम्पर भी मार सकते हैं, जूमिंग कम करो और देखो सीपीयू है, सीपीयू के जस्ट नीचे, सीपीयू के नीचे दो कैपेसिटर्स के बीच में, ये वाला है, ठीक है, ये वाला रजिस्टर है, 1.8 मिल रहा है, अब देखो
मिल रहा है 1.8। इसका मतलब हमारी पावर आईसी चार्जिंग आईसी दोनों सही है, परफेक्ट काम कर रही है, उधर कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ गए? हाँ बिल्कुल एकदम सही है, दोनों एकदम सही है। अब ना पावर आईसी को हाथ लगाना है ना चार्जिंग आईसी को, फोन डेड है तो इसका कारण सीपीयू एमएमसी दोनों में से कोई एक हो सकता है। पावर नहीं है, चार्जिंग आईसी नहीं है, ये दोनों आईसियां सही है तुम्हारी, परफेक्ट एकदम। बात समझ में आ गई? अब चेक करें जिससे पता लग जाए कि सीपीयू भी सही है। समझ गए? और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पीएस होल्ड चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? पीएस होल्ड। तो हम वापस आएंगे यहीं पे और यहीं पे देखो सीपीयू पे ही सीधा सीधा लिखा हुआ नजर आ रहा है, पीएस होल्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो हम यहीं पे आसानी से चेक कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, मगर शील्ड को काटना पड़ेगा थोड़ा। तो ये पीएस होल्ड है हमारा। अब पीएस होल्ड भी मिल रहा है, इसका मतलब हमारा सब सही है। अब ये तीनों चीजें सही है, मगर ये फोन तो डेड है। फोन तो डेड है, सच में डेड है फोन, ये सच में डेड है। ऑन फोन थोड़ी है, ये डेड बोर्ड है। समझ गए? अब क्या करेंगे इसमें? पोर्ट चेक करेंगे। अब पोर्ट कैसे चेक करेंगे वो देखो ध्यान से। देखो पोर्ट कैसे चेक करेंगे, पोर्ट चेक करने के लिए देखो यहाँ देखो ये दिस पीसी है, इस पे माउस का राइट क्लिक करेंगे, राइट, उसके बाद मैनेज, मैनेज वाला जो ऑप्शन है उसे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद एक सेकंड में, डेढ़ सेकंड में एक खुल के आएगा। यहाँ देखो आ गया, यहाँ पे डिवाइस मैनेजर क्या है, डिवाइस मैनेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखो डिवाइस मैनेजर लिखा है यहाँ पे, देखो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, सारे ड्राइवर यहाँ पे सामने आ जाएंगे, ठीक है। उसके अब पोर्ट चेक करना है, बना रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले ऑटो पोर्ट, क्योंकि पीएस होल्ड निकल रहा है, इसका मतलब सीपीयू वगैरह सही है, पावर सही है। तो क्या करेंगे, इसको ऑटो पोर्ट यानी खाली ये फोन है, ये केबल है, ठीक है, खाली इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, बस ये कनेक्ट इस तरह से लगा दिया। देखो ले लिया फौरन, यहाँ लिख के आ गया, देखो स्क्रीन पे यहाँ लिख के आया पोर्ट, क्या लिख के आया पोर्ट, पोर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो क्वालकॉम पूरा लिख के आ गया नाम। समझ गए? अब अगर ये इस तरह, इसको क्या बोलेंगे हम, ऑटो पोर्ट, क्या बोलेंगे, अपने आप ले लिया। और अगर ऐसे नहीं लेता तो हम इसके ईडीएल पॉइंट को शॉर्ट करते। अब किसी भी फोन का ईडीएल पॉइंट कहाँ है कैसे पता करेंगे? गूगल से, मान लो ये फोन है रेडमी 7A, मैं लिखूंगा गूगल पे रेडमी 7A ईडीएल पॉइंट या टेस्ट पॉइंट, दो पॉइंट दिखाएगा मुझे, दो पॉइंट, ठीक है। उन दोनों को ट्यूजर से ऐसे शॉर्ट करेंगे, एक साथ दोनों को एक साथ शॉर्ट करेंगे और डाटा केबल लगा देंगे। ये क्वालकॉम के लिए है, किसके लिए है? क्वालकॉम के लिए। मीडिया डेक में वॉल्यूम अप और डाउन दोनों को एक साथ दबाना पड़ता है फोन को स्विच ऑफ करके। बात समझ में आ गई? तो हमने अपनी लाइव क्लास का एक पूरा हिस्सा स्टेप बाय स्टेप फॉल फाइंडिंग का आपको दिया है, और हमारे पास में ए टू जेड कम्प्लीटली 4G टू 5G मोबाइल पावर आईसी सीपीयू ईएमएमसी ब्लैक पेस्टेड सीपीयू नॉर्मल सीपीयू वाइट पेस्टेड सीपीयू डोल्डेकर ए टू जेड कम्प्लीटली फॉल्ट फाइंडिंग स्मैटिक रीडिंग, ठीक है, डीसी सप्लाई आपका यूएसबी चार्जर 6 पोर्ट मल्टीमीटर, मतलब ए टू जेड कम्प्लीटली ईएमएमसी प्रोग्रामिंग चेंजिंग फोन अनलॉकिंग फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर कम्प्लीटली मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कराया जाता है मात्र 15,000 रुपये की छोटी सी फीस में। तो अभी हमसे संपर्क करें और अपने